एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी को राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। और यहाँ मैं कर रही थी पूजा, तो पूजा करने के बाद मैं भगवान जी से भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ। और मेरे को बस ज़्यादा पूजा तो नहीं आती है, बस जैसी आती है मैं वैसे कर लेती हूँ। और तो यहाँ मैं तुलसी जी पे दिया रख रही थी। मैं सुबह शाम तुलसी जी पे दिया रखती हूँ, जल चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे जल तो मैं चढ़ा चुकी थी, पर मैं दिया रख रही थी यहाँ पे। यहाँ आज मैं बना रही थी खीर, क्योंकि आज सुबह सुबह बच्चों ने बोला कि मम्मी आज हम दूध नहीं पियेंगे, आज हम खीर खाएंगे। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए खीर बना देती हूँ, तो इस बहाने सब लोग भी खा लेंगे। और वैसे तो मैं दूध का दलिया बनाने के लिए जा रही थी, पर बच्चों ने बोला तो मैंने कहा चलो खीर ही बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़े से मखाने, थोड़े बादाम और थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें पूरे प्लेट में मतलब सारा सामान निकाल के रख लिया था। तो यहाँ हमारी खीर रेडी हो चुकी है। चीनी मैंने इसमें डाल दी है और ये अच्छे से उबल जाएगी और अच्छे से थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, तब मैं इसको बंद कर दूंगी। तो यहाँ हमारी खीर बन चुकी है और मैं इसमें अब अपनी थोड़ी सी मेवा डाल दूंगी। हमारे यहाँ गोला ख़त्म हो गया था, बाकी गोला लंबा लंबा काट के डाल दो तो और अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ गोला नहीं था तो मैंने कहा जो है मैं उसी में बना देती हूँ, बच्चों का मन भी रह जाएगा, थोड़ा थोड़ा सभी लोग खा लेंगे। और यहाँ मेरी खीर रेडी हो चुकी है, बाकी इसमें थोड़ा सा केसर वगैरह पड़ जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, पर वो सब ख़त्म हो रखा है। और यहाँ मैंने छोटी सी कटोरी में पहले तो निकाल दी है मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए, तो आज हमारे लड्डू गोपाल जी भी खीर खाएंगे। तो यहाँ कमरे की लाइट बंद थी और एक हाथ में मेरे फ़ोन था और एक हाथ में लड्डू गोपाल जी के लिए मैं खीर लेके आई थी। तो मैंने कहा आज लड्डू गोपाल जी का भी नाश्ता खीर से हो जाएगा। और यहाँ थोड़े से मखाने रख दिए थे, थोड़ा सा मिश्री रखी हुई थी, तो आप लोग भी लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। तो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भी रख दी थी खीर, क्योंकि कोई भी नई चीज़ बनाओ तो लड्डू गोपाल जी को भी खिलानी चाहिए। तो हमारी गली में यहाँ ना एक सूट बेचने वाले भैया आए थे और बहुत अच्छे अच्छे सूट थे। ये सूट प्लाजो और कुर्ता था इसमें और बहुत अच्छा सेट था। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे सूट हैं और कितने अच्छे कलर हैं, और काफ़ी सारे कलर थे, बहुत सारे कलर थे। हम इन भैया से बहुत पहले भी सूट लेते रहते थे, तो ये भैया बोल रहे थे कि 600 रुपये का एक सूट है। तो यहाँ पे सब लोग आ गए थे लेने के लिए, मैंने कहा नहीं आप रेट सही लगाओगे तभी लेंगे। तो बोल रहे कि दीदी आप बता दो क्या रेट दोगे। तो मैंने पहले तो मैंने 200 रुपये बोले, कह रहे नहीं दीदी आपने तो कुछ ज़्यादा ही कम बोल दिए हैं। तो फिर मैंने 250 बोले तो वो 250 में ये सूट दे के चले गए थे। और तो आज आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ आ गई हूँ और ये कौन है। तो ये हमारे पड़ोस में आंटी रहती हैं, मैं बताती थी आपको और व्लॉग में कि हमारे गली में मकान बन रहा है, तो ये उन्हीं का मकान है। तो ये बहुत दिनों से बोल रही थी कि तू मेरे घर नहीं आती है, तू मेरे घर नहीं आती। तो आज मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी ना, तो ये सब भी आ रखे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी शूट कर लिया, अभी इनका घर पूरी तरीके से नहीं बना है। इधर 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 इधर। और ये है हमारी सासू माँ, मिल लीजिए आप लोग, बहुत अच्छी कल देखा था। सास तो वैसे भी अच्छी नहीं होती ना, है ना, लेकिन अच्छी है ये, हमारी फ्रेंड जैसी है बिल्कुल, सास कम फ्रेंड ज़्यादा है। और ये हमारी गोलू मोलू, मॉडल जब हो जाएंगे उस दिन दिखाएंगे। हाँ तो अभी आंटी जी का नया घर बना है, तो मैं आप लोगों को जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तब आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी, ठीक है। इसे अपनी मम्मी की याद आ रही है, इसकी मम्मी यही है पर वो कैमरे में नहीं आ रही है। तो मैं अभी आपको, मेरी फ्रेंड है वो, मेरी फ्रेंड है, पर मैं आपको अभी नहीं मिलाऊंगी, वो अभी आना नहीं चाह रही है कैमरे में, कह रही है जिस दिन कपड़े अच्छे से पहन रखे होंगे उस दिन आएंगे। हम तो आप लोगों से डेली मिलते रहते हैं, तो हम तो चाहे जैसे मर्जी आ जाएं, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। करते हैं
बड़ी कंडी देख, इधर इधर देख पत्थर, ए पत्थर ए इधर क्या कर रहा है, मैकेनिक गिरी, मैकेनिक गिरी कर रहा है तेजू, आइसक्रीम आइसक्रीम कैसे खाते हैं, क्या कर रहा है तेजू, काम कर रहा है, है तेजू क्या कर रहा है, घर बना रहा है, घर अपना नया घर बना रहा है, हैं चलो बना लो जल्दी बना लो जल्दी बना लो, अच्छा सा घर बनाना ठीक है ना, अच्छा सा घर बनाना, सुनो आइसक्रीम खा के कैसे करते हैं। तो आज की जो सब्जी है, आज फिर मम्मी ने तोरी बनाई है, तो आजकल मम्मी हरी सब्जी ज़्यादा ला रही हैं, आज सब्जी मैंने नहीं बनाई है, मम्मी ने करेले भी बनाए थे वो मैंने नहीं दिखाए हैं। तो यहाँ हो रहा था दूध गर्म और यहाँ मैं रोटियाँ सेक रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ। और हेलो, और यहाँ हो रहा है रात का टाइम, यहाँ बज रहे हैं कितने बज रहे हैं, आपको बज रहे हैं 10:30, खाना पीना हो चुका है, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। आजकल मेरा पता नहीं क्यों वीडियो एडिटिंग करने का, वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। कहते हैं ना जब हम अच्छी तरीके से ठीक होते हैं ना तो हमारा सारा काम करने का मन करता है, और वैसे नहीं करता है। तो आप लोग भी खा लीजिए मखाने, मैं मखाने खा रही थी, मुझे किसी ने बोला है कि मखाने मखाने खाया करो, थोड़ा सा ताकत आएगी, तो इस वजह से मखाने खा रही थी। बादाम खाती हूँ, काले चने खाती हूँ ताकि थोड़ी सी जल्दी से वीकनेस दूर हो जाए। और प्लीज़, मेरी एक सब्सक्राइबर थी, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, तो उन्होंने मुझसे पिंपल्स के बारे में पूछा था, सॉरी डियर, सॉरी सिस्टर, मैं आज आपके लिए वीडियो बनाने के लिए सोच रही थी कि मैंने कहा वीडियो बनाऊँगी, पर मैंने आपसे बोल भी दिया था, पर क्या है ना कि आज मैं ना दिन में लेटी तो मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई, और आज मैं 2 बजे सोई, और पता है मैं आज 5 बजे उठी हूँ, आज पहली बार मुझे इतनी नींद आई थी बहुत दिनों बाद, बाकी मैं सोती नहीं हूँ। और मेरी काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने मुझसे ये पूछा था कि दीदी आपकी भाभी को क्या हुआ है, भाभी आपकी, दीदी आपकी भाभी को क्या हुआ है, जवान लड़खड़ा जाती है, हैं तो मेरी भाभी को कुछ नहीं हुआ है, अच्छी बात है, जो हुआ है वो अच्छा है, ठीक है ना। बट मैं आपके साथ ना थोड़े दिन बाद शेयर करूँगी कि क्या हुआ है उन्हें, अच्छी बात है, चलो यार मैं आप लोगों से शेयर कर ही देती हूँ कि क्या हुआ है उन्हें। तो वो ना, मैंने उनके साथ पहले व्लॉग बनाए थे ना, तो काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला कि बड़ी गुस्से वाली हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में देखती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गुस्से में नहीं देखती हैं, उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, वो प्रेग्नेंट है, तो इस वजह से आपको पता ही है कि प्रेग्नेंट कोई इंसान होता है तो उसके फेस पर क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी बहुत अच्छी हैं वो नेचर वाइज, ठीक है ना। और जब अपने शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप लोगों को पता ही है कि फेस वगैरह कैसा हो जाता है, तो अब मेरे को ही देख लीजिए कि मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सिर्फ सर में दर्द है, तब मेरा फेस कैसा उतरा उतरा सा लगता है। और मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझसे बोला था कि रिया आप है ना, मतलब जब भी वीडियो में आया करो तो थोड़ा सा मेकअप करके आया करो रोज़ रोज़ मेकअप करके आऊँगी तो मैं फिर आप लोगों को वही रोज़ डेली वाली लगूँगी, कभी कभी सिंपल आना चाहिए। देखो मैं तो अपनी डेली लाइफ रूटीन दिखाती हूँ आप लोगों को, जैसे मैं घर में रहती हूँ, सिंपल सोबर, ठीक है ना, तो वो चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, रियलिटी दिखाती हूँ। अब लिपअप होती करके बैठ जाऊँ मैं, लेकिन फिर भी आपके कहने पे मेरे, आपने पिछले व्लॉग नहीं देखे होंगे, मैं उसमें रेडी होके भी दिखाती हूँ, कभी कभी तैयार होके भी आ जाती हूँ, लेकिन भैया ना अब एक बार बताओ, अब मैं आपको सुबह से मॉर्निंग से अपना काम दिखा रही हूँ, तो सुबह बताओ मैं कैसे तैयार होकर आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊँ बताओ आप। सुबह उठती हूँ, अब जैसे मैं सुबह उठी, उठने के बाद मैं बच्चों को उठा रही हूँ या अपना कमरा क्लीन कर रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ, तो बताओ किस तरीके से मेकअप वगैरह करके आऊँ। बाकी मेकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वैसे कोई वीडियो बनाती हूँ तो मैं मेकअप कर लेती हूँ, आपने मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे होंगे, बाकी आपके कहने पे किस दिन मैं अच्छी तरीके से मेकअप करके आऊँगी जैसे नॉर्मली होता है, ठीक है ना, आपके लिए मैं। और प्लीज़, जो मेरी सिस्टर थी जिन्होंने पिंपल्स के बारे में पूछा था, मैं आपके लिए 1-2 दिन में वीडियो बना दूँगी और मैं बता दूँगी कि पिंपल्स के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना। मेरे भी पहले पिंपल्स बहुत निकलते थे, जो चीज़ मैं फॉलो करती थी मैं आपको वही बताऊँगी, ठीक है ना। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं कि दीदी आप और अच्छे अच्छे ब्लॉग डाला करिए, बहुत थोड़े से लंबे ब्लॉग डाला करिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और अभी ना मेरा ना थोड़ा सा
माइंड ना डिस्टर्ब सा रहता है, इस वजह से मेरा ना ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है। तो थोड़ा सा जब मेरा शरीर ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊँगी, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी। मुझे पता है यार, फैमिली में देखो कभी कभी तो थोड़ी बहुत कभी कोई बीमारी हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इस वजह से ना मन नहीं करता है मेरा। तो आप लोग समझ सकते हो ना यार, किसी का अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही है। जैसे ही मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँगी, अभी देखो मैं खा तो रही हूँ ना ये, तो ये जब फिर मैं ताकत आ जाएगी ना, तो बस उसके बाद मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊँगी। और प्लीज़ आप लोग मुझे बताया करिए कि मैं किस चीज़ पर ब्लॉग बनाऊँ। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो बोलते हैं कि दीदी आप इडली डोसा और सांभर बनाइए। तो डियर मैं जल्दी बनाऊंगी। एक बात मैं बताऊं, अभी हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, और हमारे यहाँ ना अभी ये तला भुनाना इस टाइम बहुत कम खाते हैं, तो इस वजह से मैं ये चीज़ें नहीं बना रही हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा, मैं आपकी भी ये जो आपकी ये फरमाइश है मैं बहुत जल्दी पूरी करूँगी। मुझे इडली डोसा सांभर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पापा खाएंगे नहीं, ठीक है, मम्मी खाएंगे नहीं, और बच्चे खाएंगे। अभी इस टाइम हमारे तला भुना थोड़ा सा कम खाते हैं, इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ बहुत सारी तली भुनी चीज़ें। सर्दियाँ होती तो बन जाता। तो चलिए आप करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा बिगड़ सी गई हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन कोई नहीं, आप लोग मुझे पता है बहुत अच्छे हो, आप लोग मैनेज कर लोगे। और प्लीज़ आप लोग मुझे ना बताया करिए कि दीदी आप इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और अभी तले भुने के लिए वीडियो बनाने के लिए सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना, जल्दी बनाऊँगी मैं, ठीक है। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट।